गाइस आप भी अपने वीडियो को एक प्रोफेशनल तरीके से रिकॉर्ड करना चाहते हैं दोस्तों, आप अपनी वीडियो को यदि प्रोफेशनल तरीके से नहीं रिकॉर्ड करते हैं तो उस वीडियो की क्वालिटी एकदम से ही खराब लगती है। आप अपने मोबाइल से प्रोफेशनल तरीके से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं दोस्तों, लाइक ले लीजिए। मैं भी अपने वीडियो को मोबाइल से रिकॉर्ड करता हूँ एंड उसकी वीडियो क्वालिटी देखिए कितनी ज़्यादा इंप्रूव है, क्योंकि दोस्तों कुछ पॉइंट होते हैं, उन पॉइंट को यदि फॉलो करके आप अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करोगे एंड बोलने का तरीका या फिर कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा एंड समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों कि यदि उस प्रकार से आप अपने वीडियो को रिकॉर्ड करोगे तो आपके वीडियो क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव होगी। एंड दोस्तों जब आपकी वीडियो क्वालिटी इंप्रूव होगी, वीडियो अच्छे तरीके से रिकॉर्ड होगा एंड वीडियो में जो समझाओगे वो अच्छे से समझ में आएगा, तो सिंपल सी बात है कोई भी बंदा आपके वीडियो पर क्लिक करेगा तो उस वीडियो को एंड तक वॉच करेगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको यही बता रहा हूं कि अपने वीडियो को एक प्रोफेशनल तरीके से कैसे रिकॉर्ड करना है। बहुत सारे लोग रिकॉर्ड करना तो जानते हैं लेकिन अच्छे तरीके से प्रोफेशनल तरीके से वीडियो को रिकॉर्ड करना नहीं जानते, लेकिन उन्हें ये कमी नहीं लगती है कि उन्हें तो लगता है कि मेरा वीडियो बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छा वीडियो बनाता हूं। लेकिन मेरे भाई जब तक आप प्रोफेशनल तरीके से वीडियो को रिकॉर्ड करना नहीं जानोगे तो यहां पर आपकी ऑडियंस तो आएगी आपके वीडियो पर तो बंदे क्लिक करेंगे लेकिन वीडियो को एंड तक वॉच नहीं करेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको यही बता रहा हूं कि वीडियो को प्रोफेशनल तरीके से केवल मोबाइल फोन से कैसे रिकॉर्ड कर पाओगे एंड ये जो वीडियो देख रहे हैं ये भी मोबाइल फोन से ही शूट हो रही है एंड इसकी क्वालिटी देखिए कितनी ही अच्छा है। दोस्तों आप यदि अपने मोबाइल से प्रोफेशनल तरीके की वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो इसी प्रकार की आपकी भी क्वालिटी आएगी, तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग के साथ साथ नॉलेजेबल भी होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें एंड मेरे चैनल को अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज चैनल को कर ले सब्सक्राइब। दोस्तों चलिए तो दोस्तों पॉइंट नंबर 1 पे आता है कि हमारी जो वीडियो की वॉइस क्वालिटी, दोस्तों हमारे वीडियो की क्वालिटी से ज्यादा हमारे वीडियो की जो वॉइस होती है वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, दोस्तों आपको एक माइक परचेस कर लेना है, क्योंकि दोस्तों यदि माइक नहीं परचेस करते आप तो आपकी वॉइस क्वालिटी बिल्कुल ये खराब रहेगी एंड ये तो मेरा लोकल वाला माइक है जो आप देख रहे हैं, 200 रुपए का मिलेगा। बट आपको एक बोया बाई M1 माइक ले लेना जो आपको 500-600 रुपए का मिलेगा, मैं भी वो परचेस करने वाला हूँ क्योंकि इसमें वॉइस इतनी अच्छी नहीं आती है। तो उससे क्या होगा कि उससे जब आपकी वॉइस क्वालिटी अच्छी रहेगी तो कोई भी बंदा आपके वीडियो पर तो क्लिक करेगा लेकिन जब वॉइस नहीं अच्छी रहेगी तो वीडियो को छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि जो आप बता रहे हैं उसको अच्छे से नहीं समझ में आएगा। एंड जब वॉइस अच्छी रहेगी एंड वीडियो की क्वालिटी थोड़ा कम भी रहेगी तो वॉइस जो आप बताएंगे उसको प्रॉपर तरीके से सुनाई देगा तो वो फिर वीडियो को एंड तक वॉच करेगा। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, माइक को सिंपल कैमरे में यूज करते हैं, जो उनके मोबाइल में डिफॉल्ट कैमरा होता है उस पर यूज करते हैं। तो बहुत सारे फोन में कोई भी माइक हो उस कैमरा में नहीं सपोर्ट करता है। दोस्तों आपको एक बेस्ट एप्लीकेशन आता है ओपन कैमरा, जिसमें बहुत सारे सेटिंग मिल जाता है, जैसे अपनी वीडियो की लाइटिंग को बढ़ा सकते हैं एंड बहुत सारा फीचर्स देखने को मिल जाता है उस पर, हर माइक सपोर्ट करता है और बहुत बढ़िया वीडियो क्वालिटी भी देता है वो ऐप। मैं भी उसी ऐप से अपनी वीडियो को शूट कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों अब सेकेंड नंबर पे बात करता हूँ दोस्तों, बोलने का तरीका। दोस्तों बहुत लोग क्या करते हैं कि अपने कैमरे को देखकर एकदम से डर हंस जाते हैं कि जैसे लगता है कि उनके सामने बहुत सारे ऑडियंस यानी बहुत सारे आदमी बैठे हैं एंड उन्हें बहुत बड़े स्टेज में बैठा दिया गया, ऐसे वो कहीं मतलब उसी वीडियो को बोलेंगे तो बहुत अच्छे से बोल लेंगे लेकिन जैसे ही कैमरा के सामने आ जाते हैं सब भूल जाते हैं कि भाई मुझे क्या बोलना है, क्या समझाना है, सब भूल जाते हैं। कोई कैमरा तुम्हें खा थोड़ी नहीं जाएगा भाई, कैमरा को अपना दोस्त मानना चाहिए, जैसे आप दोस्त के सामने कोई भी बात होती है तो बहुत लंबी लंबी फेंकते हो, इतनी सी बात को इतनी बना देते हो, इसी प्रकार आपको कैमरे में भी बोलना है, इतनी सी बात को इतना बना देना एंड आपको कैमरे से बिल्कुल भी नहीं डरना है और बेझिझक बोलना है एंड जो आपके माइंड में आता है वो आपको बोलते जाना है। और दोस्तों यहाँ पर कुछ लोगों को ये दिक्कत होती है कि वो बोलते तो हैं लेकिन बीच बीच में अटक जाते हैं एंड भूल जाते हैं कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं, तो उसके लिए आपको एक स्क्रिप्ट लिख लेना चाहिए, साइड में आपको एक कॉपी में कुछ पॉइंट लिख लेना चाहिए, जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो बना रहे हैं तो उसके कुछ पॉइंट लिख लीजिए एंड साइड में रख लीजिए। इसके बाद कुछ बोलिए, फिर रुक जाइए एंड स्क्रिप्ट को देखिए, फिर बोलिए, फिर देखिए, फिर बोलिए, इस प्रकार से कर लीजिएगा। इसके बाद एडिटिंग के टाइम में आपको फालतू पार्ट कट कर देना है एंड मेरे चैनल पर मैंने कल ही वीडियो अपलोड किया है कि एडिटिंग ट्यूटोरियल, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको वॉच कर लीजिएगा। तो वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद एडिटिंग कैसे करना उसको वॉच करिएगा, आपको मालूम चल जाएगा कि हमारी वीडियो की जो एडिटिंग है वो प्रोफेशनल तरीके से कैसे होती है। इसके बाद दोस्तों हमारा वॉइस क्वालिटी भी हो गया, इसके बाद बोलने का तरीका भी हो गया एंड दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि हमारा जो मोबाइल रखे यानी जहां से हमारा कैमरा चल रहा है, जहां पे हमारा कैमरा रखा है वो एकदम एक स्टेबल जगह पे होना चाहिए, यानी इधर उधर हिलना नहीं चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। यदि आपका फ़ोन इधर उधर हिल रहा है तो आपकी वीडियो प्रोफेशनल तरीके से नहीं रिकॉर्ड होगी। आपको अपने मोबाइल को एक स्थित जगह पर रख देना है, जैसे कि आपको एक ट्राइपॉड परचेस कर लेना है, मैं भी अपने वीडियो को
ट्राइपॉड पर ही रख के शूट करता हूँ, उससे क्या होगा कि आपकी वीडियो जो होगी वो एकदम हिलेगी डुलेगी नहीं, तो एकदम प्रॉपर तरीके से शूट होगी, एकदम प्रोफेशनल तरीके से रिकॉर्ड होगी। एंड ये तो हो गया मोबाइल रखने की बात। इसके बाद बहुत सारे लोग क्या करते कि अपना ट्राइपॉड नीचे को कर देते तो वो कुछ इस प्रकार से बताते, तो उससे भी वीडियो की जो रिकॉर्डिंग होती वो बहुत ही खराब हो जाती। एंड कुछ लोग ऊपर रख देते तो कुछ इस प्रकार से बताते। आपको अपने फेस के सामने रखना है अपना मोबाइल, जैसे कि मैं रखे हूँ आप लोग देख सकते हैं, यानी कि मेरी आंख जो है वो एकदम कैमरा के सामने रहेंगी, तो उससे क्या होगा कि एकदम जो भी मेरा वीडियो देखेगा उसको लगेगा कि नहीं भाई ये मेरे से ही बात कर रहा है। एंड मैं ऐसे देखूंगा तो फिर वो ऑडियंस का और आपका कनेक्शन टूट जाएगा। इसके बाद दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपना जो ट्राईपॉड होता है कहीं बहुत दूर रख देते तो उनकी फुल बॉडी आने लगती है, तो वो भी एक बहुत बेकार तरीके से वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं। आपको अपने फोन को ना ज्यादा दूर में रखना है एंड ना ज्यादा पास में रखना है, आपको अपने फोन को अपने हैंड के एकदम एक हैंड में रखना है, यानी इतनी दूर जैसे दोस्तों मैंने रखा हुआ है। इससे क्या होगा आपका इतना बॉडी आएगा जो कि बहुत ही प्रोफेशनल लगता है। तो कुछ इस प्रकार से आपको अपने फोन को रखना है, स्थिर जगह पर रखना है एंड ज्यादा दूर नहीं रखना है एंड ज्यादा ना पास रखना है। इसके बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने वीडियो को फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको फ्रंट कैमरा से वीडियो को रिकॉर्ड नहीं करना है, आपको बैक कैमरे से वीडियो को रिकॉर्ड करना है, क्योंकि जब दोस्तों आप फ्रंट कैमरा से वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं वहां पर जो आगे वाला कैमरा होता है तो दोस्तों आप लोग कैमरे पे नहीं देखते हैं एंड अपनी स्क्रीन पर देखते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ, किस प्रकार बोल रहा हूँ। एंड जब आप स्क्रीन पर देखोगे तो आपको और ऑडियंस का कनेक्शन टूट जाएगा, क्योंकि ऑडियंस को लगेगा कि ये मेरे से बात ही नहीं कर रहा है। अभी तो मैं फिलहाल बैक कैमरे से वीडियो को शूट कर रहा हूँ तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, लेकिन जैसे मैं स्क्रीन पर देखूंगा तो कुछ इस प्रकार से लगेगा एंड मैं इस प्रकार से बताऊंगा तो आप ही बताइए किस प्रकार की ये वीडियो लग रही है। एंड जब मैं अपने कैमरे पर देखता हूँ तो कुछ इस प्रकार से लगता है। तो आपको अपने स्क्रीन पर नहीं देखना है एंड आपके यदि फ्रंट कैमरे से वीडियो को शूट कर रहे हैं तो आपको अपने कैमरे पर ही ध्यान देना एंड स्क्रीन को नहीं देखना है, उससे आपका ऑडियंस का कनेक्शन बना रहेगा। और दोस्तों आपको कोशिश यही करनी कि आपको बैक कैमरे से वीडियो को शूट करना है, इससे क्या होगा आपका ध्यान स्क्रीन पर नहीं जाएगा, क्योंकि जब आपका स्क्रीन में कुछ दिखेगा नहीं तो उस पर ध्यान नहीं जाएगा। तो दोस्तों यही कुछ पॉइंट थे। यदि दोस्तों आप अपने वीडियो को रिकॉर्ड करते समय ये सारे पॉइंट को फॉलो करोगे तो आपकी वीडियो एक प्रोफेशनल तरीके से रिकॉर्ड होगी। एंड दोस्तों रिकॉर्ड करने के बाद उस पर यदि प्रोफेशनल तरीके से एडिटिंग करोगे तो फिर आपके वीडियो पर चार चांद लग जाएंगे। आई होप दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको समझाना चाहता था वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें एंड अगर चैनल को अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज अपना छोटा भाई समझ के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद एंड वंदे मातरम।